मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ये आपके रिलेशनशिप में और जिंदगी में बहुत मदद करेगी। एक बार एक कपल जू जाता है। जब हस्बैंड वाइफ दोनों जू में जा रहे होते हैं तो एक केज में जाते हैं जहाँ पे मंकीज होते हैं। तो वहाँ पे जो मेल मंकी होता है वो फीमेल मंकी के आसपास घूम रहा होता है, डांस कर रहा होता है, प्यार कर रहा होता है, हग कर रहा होता है। देयर इज सो मच ऑफ कडलिंग हैपनिंग एंड द वाइफ सेज वाओ, सो क्यूट, सो रोमांटिक, कितना मजा आ रहा है इनको देखकर, सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन बिटवीन देम। दैट इज हाउ अ हैप्पीनेस मैरिज एंड कपल शुड बी। दोनों चलते हैं आगे तो एक लायन का केज आता है। वहां पे वो देखते हैं कि मेल लायन इस तरीके से बैठा हुआ है, ही इज अनअफेक्टेड बाय लायनेस प्रेजेंट। तो वो बैठा है, इधर देख नहीं रहा है, जैसे लायनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एंड शी फेल्ट वेरी सैड। उसने कहा ये भी कोई रिश्ता है, ये भी कोई रोमांस है, इट्स सो सैड, इट्स सो पिटीफुल। तो उसने कहा, हस्बैंड ने, ठीक है काम कर, एक छोटा सा स्टोन ले और लायनेस की तरफ फेंक। द मोमेंट वाइफ डज इट, लायन एकदम खड़ा हो जाता है लायनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जोर से रोर करने लगता है। एंड ही सेड, देखा अब मंकी के केज में चलते हैं। जब वो वापस गए और वाइफ ने छोटा सा स्टोन लिया और फीमेल मंकी की तरफ फेंका, तो मेल ने फीमेल मंकी को छोड़ा और अपने आप को बचाने के लिए क्लाइंब करने लग गया ऊपर। तो उसने कहा, देखो कई बार हमें लगता है कि रिलेशनशिप में इतना ज्यादा अफेक्शन है, इतना प्यार है, सब एक दूसरे से बात करते हैं, चिपक के बैठते हैं, सो मच ऑफ रोमांस, बट एक्चुअली इट इज ऑल्सो टू हाइड एम्प्टी हार्ट्स। रिलेशनशिप वो नहीं है कि आप उसको कितना डिस्प्ले करते हैं, रिलेशनशिप वो होता है कि जब आपको जरूरत हो और जब आपको प्रोटेक्शन की जरूरत हो तो आपका पार्टनर आपके सामने खड़ा होता है टू प्रोटेक्ट यू। दैट इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। तो अपने पार्टनर से हमेशा गलती मत निकालें कि तुम टाइम नहीं देते, तुम साथ नहीं बैठते, तुम मूवी नहीं ले जाते, तुम ये नहीं करते। जब आपको जरूरत होती है वो आपके साथ होते हैं। दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल स्ट्रेंथ इन अ रिलेशनशिप, विच पीपल हैव देयर ओन वेज टू रिफ्लेक्ट देयर लव विद देयर पार्टनर।